Max is very competitive. Is this gun real? आप लोगों को पता होगा कुछ साल पहले ब्लू वेल नाम का एक ऑनलाइन गेम आया था। उस गेम में कई सारे टास्क मिलते थे और उसे कंप्लीट करना होता था और इसके वजह से कई लोग अपना जान भी गंवाए थे। टेबल नंबर 21 नाम से एक बॉलीवुड मूवी भी है जिसमें कि इसी तरीके का टास्क मिलता है। तो स्वागत है आप सभी का स्टेक ऑफ मूवीज में। आज मैं आप सभी के लिए इसी तरीके का कुछ ट्रूथ और डेयर और गेमिंग वर्ल्ड टाइप का मूवी लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये काउंटडाउन। दसवें नंबर पे है स्टील ट्रैप। ये मूवी 2007 में आया था। इस मूवी में एक साइकोपैथ कुछ लोगों को एक बिल्डिंग में कैद कर देता है। इस बिल्डिंग में कई सारे ट्रैप्स होते हैं। इन ट्रैप्स से बच के इन लोगों को वहां से बाहर निकलना होता है। नौ नंबर पे है गेम नाइट। ये मूवी 2018 में आया था। मैक्स और उसके दोस्त हर वीकेंड को एक गेम खेलते थे, लेकिन एक दिन मैक्स का भाई उनके सामने एक अनोखा गेम लाता है। जो भी उस गेम को जीतेगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन उस गेम में एक ट्विस्ट आ जाता है और ये गेम एक मर्डर मिस्ट्री बन जाती है। तो देखिए ये लोग कैसे इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। ओके। आठवें नंबर पे है पारानोया 1.2, जिसे कि 1.0 भी कहा जाता है। ये मूवी 2004 में आया था। साइमन एक आईटी एक्सपर्ट था। एक बार इसके घर में एक अननोन पैकेज आ जाता है और यह अपने घर को थोड़ा सिक्योर करने की कोशिश करता है। उसे एक बार एक वर्चुअल रियलिटी गेम के अंदर जाने का मौका मिलता है। फिर ये उस गेम को खेलने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके बिल्डिंग में कई सारे मर्डर हो रहे हैं। साइमन इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। सातवें नंबर पर आता है 2018 की मूवी टैग। इस मूवी में पाँच दोस्तों का एक ग्रुप था। ये लोग पिछले 30 साल से एक टैग नाम का गेम खेल रहे थे। अपने एक दोस्त के शादी से पहले ये लोग एक आखिरी बार टैग गेम खेलने की सोचते हैं और अपने उस दोस्त जो कि आज तक कभी भी नहीं हारा था उसे टैग लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये मूवी देखिए इसमें क्या क्या होता है। छठे नंबर पे आता है 13 सीन्स। ये मूवी 2014 में आया था। इलियट नाम के आदमी को एक बार एक बड़ा इनाम जीतने का मौका मिलता है, लेकिन इनाम जीतने के लिए उसे एक गेम खेलना पड़ेगा। उस गेम में उसे 13 टास्क मिलता है। तो इस मूवी में देखिए इलियट को क्या क्या टास्क मिलता है और ये इसे कैसे कंप्लीट करता है। पांचवें नंबर पे आता है टेबल नंबर 21। एक कपल फिजी के आइलैंड में अपना एनिवर्सरी मनाने के लिए गए हुए थे। वहाँ पे इनसे एक आदमी मिलता है और इन्हें एक गेम खेलने का ऑफर देता है जिसका विनिंग प्राइस 21 करोड़ रुपए था। फिर ये लोग गेम में एंटर हो जाते हैं, लेकिन इन्हें बाद में पता चलता है कि ये गेम खेलकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चौथे नंबर पे आता है स्लॉथ। ये मूवी 2007 में आया था। एंड्रयू एक नाम का एक अमीर आदमी अपने एक आलीशान बंगले में अकेले रहता था। उसकी बीवी उसे छोड़ के माइलो टिंडेल नाम के किसी और आदमी के पीछे पड़ी हुई थी। तो माइलो को सबक सिखाने के लिए एंड्रयू उसके साथ एक गेम खेलता है। तीसरे नंबर पे है रेडी और नॉट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी को मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को आप जरूर देखिए। इस मूवी में एक रिच फैमिली होता है और जो भी न्यू मेंबर उस फैमिली में जुड़ता है उसके साथ ये लोग एक गेम खेलते हैं। तो वो गेम क्या होता है आप मूवी देखिए और पता कीजिए। वे दूसरे नंबर पे आता 2016 का मूवी नर्व। आपको पता होगा कई साल पहले ब्लू वेल नाम का एक सुसाइड गेम आया था और ये मूवी जो है ये पूरा ब्लू वेल जैसा ही है। इस मूवी में कई सारे टास्क मिलते हैं और किसी टाइम लिमिट के अंदर उस टास्क कंप्लीट करना होता है और इसमें टास्क कंप्लीट होने के बाद कई सारे पैसे मिलते हैं। तो ये भी एक गजब का मूवी। और पहले नंबर पे आता है द गेम। ये मूवी 1997 में आया था। ये मूवी भले ही पुराना हो लेकिन इस मूवी में आपको कई सारे टर्न ट्विस्ट में देखने को मिलेंगे। इस मूवी में निकोलस को अपने बर्थडे के दिन एक वाउचर मिलता है और ये वाउचर था एक गेम का टिकट। इस गेम में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसके जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो ये कौन सा गेम था ये आप मूवी देखिए और पता कीजिए।